गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो है हमारे लिए बिल्कुल एक नई टर्म है। इसको समझने से पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कंडक्टर इंसुलेटर का मतलब क्या होता है और उनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज सब्सटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरीज, एक कंडक्टर्स होते हैं, दूसरे इंसुलेटर्स होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सब्सटेंसेस होते हैं जिसके थ्रू चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो जाती है उसको हम कंडक्टर्स कहते हैं। जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं दे कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू रोम अबाउट इन द मेटल ऑफ द बॉडी। और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो कंडक्टर्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस दोनों की मदद से कंडक्ट होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स लाइक अगर हमारे पास पानी है और उसके अंदर हम थोड़ा सा सॉल्ट या एसिड या कुछ ड्रॉप्स अगर हम बेस की मिला देते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बन जाते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं लाइक कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, मरकरी एक्सेट्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सिल्वर होता है दैट इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरीके से हमारे पास कुछ लिक्विड कंडक्टर्स भी होते हैं जैसे कि सॉल्ट होता है, एसिड और एल्कलीज होते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं वो सब्सटेंसेस होते हैं जो चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करते हैं। इसका एग्जाम्पल है वुड, प्लास्टिक, इबोनाइट, माइका एक्सेट्रा। जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने एटम के साथ में क्लोजली बाउंड या अटैच रहते हैं और वो फ्री नहीं होते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम बार बार जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ समझना ज़रूरी है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है। तो हमारे लिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फ्री और बाउंड चार्जेस का है। एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम्स, जो भी सब्सटेंस होता है वो एटम का बना हुआ होता है और जो एटम का जो सेंटर होता है उसके अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग सर्कुलर ऑर्बिट्स में जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होता है क्योंकि उसके ऊपर अपोजिट चार्ज होता है, इसलिए जो न्यूक्लियस है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पर अप्लाई करता है जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से बाउंडेड रहते हैं। लेकिन अगर हम न्यूक्लियस से बाहर की तरफ जाएंगे तो जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। जो हमारे मेटालिक सब्सटेंसेस होते हैं उसके अंदर कुछ दूसरे फोर्सेस भी वर्क करते हैं जिसको हम इंटर एटॉमिक फोर्सेस कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो एक एटम होता है वो दूसरे एटम के साथ में एक फोर्स के साथ में अटैच रहता है और ये फोर्स जो है हर एटम को एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता है जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पर अप्लाई करता है वो वीक हो जाता है और जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑलमोस्ट फ्री हो जाते हैं और जो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्रीली सब्सटेंस के साथ अंदर मूव कर सकते हैं और इन्हीं को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर जितना भी पॉजिटिव आयन से रिमेनिंग न्यूक्लियस रह जाता है उसको हम बाउंड चार्ज कहते हैं। अभी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टर्म आ रही है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एंड पोलराइजेशन। जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस होते हैं वो भी इंसुलेटर्स ही होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन वो एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करते हैं और ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि इनके अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं इसीलिए जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो को परमिट नहीं करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं इबोनाइट, ग्लास, ऑयल, पेपर एक्सेट्रा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मैटर होता है वो एटम का बना हुआ होता है और जितने भी एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्यों होते हैं न्यूट्रल? बिकॉज उसके अंदर जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स पे क्योंकि प्लस चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है इस पे नेगेटिव चार्ज होता है तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यहाँ पर हमें एक चीज़ समझनी है, सेंटर ऑफ चार्ज। क्योंकि हमारे एटम के अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है तो ऐसा माना जाता है कि जितना भी जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड रहता है और जितना भी नेगेटिव चार्ज होता है वो दूसरे सेंटर के ऊपर जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। और हम ये मानते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं वो सेंटर ऑफ मास के साथ में कोइंसाइड करते हैं। तो जो एटम होता है उसके पास में दो सेंटर ऑफ चार्जेस होते हैं, एक सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है। इसी बेसिस पे हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस को दो कैटेगरी में प्लेस कर सकते हैं। पहला हमारा पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है, यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं जिसके अंदर जो है
सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के साथ कॉन्साइड नहीं करेगा तो उसको हम पोलर डायलैक्ट्रिक कहते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या वाटर मॉलिक्यूल का। जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं रहता है तो जो डाइपोल होते हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स के वो रेंडमली ओरिएंटेड रहते हैं, मतलब उनका जो ओरिएंटेशन होता है वो फिक्स नहीं रहता है, जिसकी वजह से जो एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे एटम के नेगेटिव चार्ज के क्लोज रहता है। और इसकी और इनका क्योंकि रेंडम ओरिएंटेशन है तो इसकी वजह से जो टोटल जो डाइपोल मोमेंट एटम का है वो ज़ीरो हो जाता है। लेकिन जब इन पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इनके ऊपर एक टॉर्क जो है वो काम करना शुरू कर देता है, और जिसकी वजह से जो है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो है अपने आप को अलाइन करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि हम जो है कि यहाँ पर एक फिगर के अंदर क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट फिगर है उसके अंदर जो है इनका एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड में एटम्स का जो क्या ओरिएंटेशन है वो दिखाया गया है, और जो दूसरा वाला जो फिगर है उसके अंदर हमें दिखाया गया है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस का ओरिएंटेशन हो जाता है। और जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते चले जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा एटम जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू हो जाते हैं, और इसको हम डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है डायलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस की वो नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स होते हैं। जो डायलेक्ट मटेरियल होते हैं जिसमें कि जो पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर होता है वो नेगेटिव चार्ज के सेंटर के साथ में अगर कॉन्साइड नहीं करता है तो उसको नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स कहते हैं। जब इन इस तरह के जो नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स हैं उनको अगर हम किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो इनका जो पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर होता है वो स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाता है, एंड जिसकी वजह से एक स्मॉल डाइपोल मोमेंट जो है हर एटम के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। इस फिनोमेना को हम डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। यहाँ पर भी हम जो है फिगर्स से देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके अंदर जो है हमें ओरिएंटेशन दिखाई देता है। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आ रही है वो आइसोट्रॉपिक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की है। जो मटेरियल जो होते हैं जिसमें कि इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट जो है वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है या इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उन सब्सटेंसेस को हम लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई है कि किसी भी डायलेक्ट मीडियम में जब चाहे वो पोलर या नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं तो उनके अंदर एक रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारा डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल है इसको हम पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल कहते हैं, और इसको नॉर्मली जो है कि वेक्टर पी से डिनोट किया जाता है, और जो हमारा वेक्टर पी होता है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि फैक्टर पी इज़ प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर हमारा पास जो रिलेशनशिप आ रहा है वो आ रहा है आपका जो हमारा पी है वो पी इक्वल टू काई ई। काई जो है वो एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसको हम इलेक्ट्रिक सब्सटिट्यूटेबिलिटी कहते हैं। इसके साथ में हमें एक टर्म और समझनी है क्योंकि हमने देखा कि अगर हम किसी डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें एक डाइपोल मोमेंट जो है इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो वो कब तक और कितना हो सकता है उसी से रिलेटेड टर्म है हमारी डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की। जब हम किसी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं किसी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर तो जो भी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो है फ्री होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो हमारा डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। इस फिनोमेना को हम डाइइलेक्ट्रिक बैकग्राउंड कहते हैं, और इसी से रिलेटेड हमारी नेक्स्ट टर्म आती है डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है एक्सटर्नल फील्ड की जहाँ तक हम डाइइलेक्ट्रिक बैकग्राउंड जो है कि जब तक नहीं होता किसी भी डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को तो उस हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नोन एज अ डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। नॉर्मली एयर की जो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो 3×10⁶ वोल्ट पर मीटर होती है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर डिस्कस करने वाले हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।